यहाँ पे आके टर्न कर लेती तो कम से कम टर्न तो कर पाती, वहाँ पे कर रही है तो इतना मुश्किल पड़ रहा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड पे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसा दिखता है, उसके बेस पे जाएंगे हम लोग। ये पीछे मेरे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोट है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्रूज है, ये आपको वो आइलैंड पे लेके जाती है और फिर वापस लेके यहाँ पे छोड़ देती है। जाने से पहले प्रॉपर एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होता है, दैट इज़ द बिल्डिंग जहाँ पे पूरा स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग होने के बाद फिर हमें बोट पे एंट्री मिली। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग इज डन, अब हम जा रहे हैं बोट की तरफ, बोट पे बैठेंगे और फिर सीधा मिलूंगा आपसे लिबर्टी आइलैंड के ऊपर। और हम सब वेट कर रहे हैं बोट के आने का, मेरे पीछे ही बोट आएगी और वो हमें फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेके जाएगी। आई होप देयर इज एन अपर डेक। बोट पे हम आ चुके हैं और पीछे आप मेरे देख सकते हो वहां पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है, वहां पे ये बोट हमें लेके जाएगी। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है और हम पट हम पहुंच गए हैं लिबर्टी आइलैंड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे म्यूज़ियम है और राइट साइड पे देखोगे पीछे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पीछे दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे घूमते हैं। मंजरी तुम्हें कहाँ जाना है पहले, एनी प्रेफरेंस? यू वांट टू गो देयर फर्स्ट और सी पीछे कितना मस्त दिख रहा है। इतना पास से हम लोग देखते हैं, दूर से तो दिख जाता है बहुत बार, बट इतना पास से तो देखने का मजा अलग ही है यार। काफी टाइट सिक्योरिटी है ना यहाँ पे। आई नो, वो लोग इतना एयरपोर्ट से सिक्योरिटी यहाँ पे वापस करना पड़ा, वहाँ पे एंट्रेंस के टाइम भी और फिर यहाँ पे से पेडेस्ट्रियल एक्सेस के लिए, टू मच। बट हाँ, हमने $1 एक्स्ट्रा पे किया। अगर आप सिर्फ नॉर्मल टिकट लोगे तो आपको सिर्फ नीचे तक का एक्सेस मिलेगा, अगर आप $1 एक्स्ट्रा टिकट पे करते हो ना तो आपको बेस पे जाने का, एक स्टेप ऊपर जाने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कैसा दिखता है, मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आया। जैसा लग रहा है गुफा गुफा में जा रहे हैं। 176 to the top of the pedestal. Okay, we are here and we have to go here. Oh, fast chal chal. Come on. आज तो वर्कआउट भी हो गया। ऐसा लग रहा है वो माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं तो कैसे चढ़ते हैं सीधा, वैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। और ऊपर जाना है, वहाँ पे तो पेडेस्टल दिख रहा है, वहाँ पे तक जाएंगे। यहाँ
लिए वो छोटी सी जेल भी है, जो यहाँ पे गलत काम किया ना उसको जेल में डालते हैं। यहाँ से सब कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। नहीं है बस नहीं है, मैं ऊपर इधर आ रही थी कि चल नहीं इसके ऊपर क्राउन एक्सेस है जो हमने नहीं लिया है, मतलब बंद है क्राउन एक्सेस, अभी बंद कर दिया उन्होंने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उसके पेडेस्टल से चिपका के रखते हैं, इतने बड़े इनके साइज देखो, मेरे मुंह से भी बड़े। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस ने नहीं बनाया है बल्कि यूएस को फ्रांस ने गिफ्ट में दिया है, तो ये स्टैचू जैसे एफिल टावर बना था वैसे ही सिमिलरली काइंड ऑफ डिजाइनिंग सिमिलर है। फ्रांस ने ये बनाया स्टैचू और फिर शिप किया पार्ट्स में यूएस को और यहाँ पे ला करके असेंबल किया इसको। जैसे आप पीछे देख सकते हो कितना बड़ा स्टैचू है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिगेस्ट स्टैचू आप बोल सकते हो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फोटोज में कितना भी देखो आप बट रियल में देखिएगा जो मजा है वो एकदम अलग है। नहीं क्राउन पे पता है क्या है, क्राउन पे उसके छाता लगा हुआ है, अभी बारिश हो रही ना थोड़ी देर में खुलेगा वो ताकि वो गीला ना हो। सच में ये देखो पूरे मैप का आइलैंड, सॉरी आइलैंड का मैप। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कंप्लीट हो गया है टूर, सबसे अच्छा क्या लगा आज? सब कुछ अच्छा लगा, स्पेशली बोट से ट्रैवल करना एंड देन आइलैंड पे जाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो तो डेफिनेटली अच्छा लगा। प्लस लिबर्टी स्टैचू बहुत मज़ा आ रहा था। आई नो क्राउन पे जाते तो और मज़ा आता और ऊपर से देखने मिलता, बट जहाँ पे भी गए हम काफ़ी ऊपर थे ऑलरेडी एंड क्लोज से देखना इतना बड़ा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें पास कोई टिप है अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए कोई टिप तुम देना चाहोगे? जल्दी आओ और थोड़ा फिट रहो ताकि चल पाओ बहुत सारा। हाँ चलना तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। हमारा ट्रिप यहाँ पे होता है समाप्त, वापस जर्सी सिटी आ चुका हूँ जहाँ से ट्रिप चालू की थी वहीं पर, और बस अब गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा हूँ। ये देखो ये एक अबैंडन्ड ट्रेन स्टेशन है जहाँ से ट्रेन निकलती है। बैक फ्रॉम आर ट्रिप, देखो पीछे मंजरी गाड़ी से बाहर निकल रही है, अब हम घर जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया और अगर आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को लाइक कर दो और बहुत अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आपको मन कर रहा हो तो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं बट अगर कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। थैंक यू।